मेरा नाम पीएम हरवानी है और मैं आपको पीएचपी से वेब डेवलपमेंट कैसे करते हैं वो सिखाने जा रहा हूं। पीएचपी का पूरा नाम हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर है और इससे हम कोई भी वेबसाइट बना सकते हैं। पीएचपी एक स्क्रिप्टिंग इंजन है। बेसिकली हम जब भी कोई वेब ऐप बनाते हैं एचटीएमएल में, तो उसको कोई भी बंदा व्यू सोर्स करके देख सकता है। पीएचपी क्योंकि सर्वर साइड स्क्रिप्ट है, उसका कोड कोई भी यूजर देख नहीं सकता क्योंकि वो रन सर्वर पे होती है और क्लाइंट को सिर्फ आउटपुट दिखता है। पीएचपी के जो फीचर्स है कुछ इस प्रकार हैं। फर्स्ट तो ये डेटाबेस को सपोर्ट कर सकता है। जो भी यूजर, जो भी विजिटर आपकी साइट पर आएगा, वो कोई भी डेटा डालेगा तो वो डेटाबेस में स्टोर हो जाएगा। उसको हम फ्यूचर में कभी भी यूज कर सकते हैं। आप इसके जरिए कोई शॉपिंग कार्ट वगैरह बनाते हैं और कोई कोई प्रोडक्ट खरीदता है आपके यहाँ से, तो क्या क्या खरीदा उसने वो सारा डेटा स्टोर हो जाएगा उसका। सेकेंडली, ये ओपन सोर्स है। आपको इसको यूज करने के लिए कोई रॉयल्टी नहीं देनी है, ना उसके लिए कुछ खरीदना है आपको। सेकेंडली, जैसे मैंने बोला कि इसके साथ ये एचटीएमएल टैग के साथ मिक्सअप हो सकता है, यानी आप दोनों का मिक्सचर कर सकते हैं, एचटीएमएल एज वेल एज पीएचपी। पीएचपी अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, विंडोज पे, लिनक्स पे वगैरह सब पे चलेगा। एक बात और, अगर आपने पीएचपी पे कोई वेब ऐप बनाई है तो उसको टेस्ट करने के लिए, डीबग करने के लिए आपको सीधा सर्वर पे अपलोड करने की जरूरत नहीं है। आप कोई लोकल सर्वर भी अपनी मशीन पे डिफाइन कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं और उसी पे अपने सारे कोडिंग टेस्ट कर सकते हैं, डीबग कर सकते हैं और फाइनलाइज जब आपको हो जाता है कि भाई हाँ अब मेरी पीएचपी स्क्रिप्ट पर कोई बग्स नहीं है, आप उसको अपलोड कर सकते हैं रिमोट सर्वर पे फॉर द वर्ल्ड। अब कौन कौन से सर्वर हम इंस्टॉल कर सकते हैं हमारी मशीन में? बहुत सारे हैं, जैसे अपाचे है, आईएएस है। हम अपाचे को ज्यादा प्रेफर करते हैं पीएचपी के साथ। आईएएस हमारा डॉटनेट के साथ ज्यादा प्रेफरेबल होता है। एक बात और, पीएचपी स्क्रिप्टिंग इंजन है तो एक पॉपुलर स्क्रिप्टिंग इंजन जावास्क्रिप्ट भी है। तो इन दोनों में फर्क क्या है? पीएचपी जैसा मैंने पहले बोला कि सर्वर साइड स्क्रिप्ट होती है और जावास्क्रिप्ट यूजुअली क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग होती है। क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट जो होती है वो क्लाइंट की मशीन भी चलती है। उसका एक लॉस तो ये है कि वो क्लाइंट के रिसोर्सेज यूज कर रही है, यानी क्लाइंट की मशीन स्लो हो जाएगी। और एक और प्रॉब्लम है कि वो कोड क्लाइंट कभी भी देख सकता है। वो राइट क्लिक करके, जब वो वेबसाइट देख रहा है, राइट क्लिक करके व्यू सोर्स ऑप्शन देखेगा तो वो आपका कोड देख सकता है। पीएचपी में ऐसा नहीं है। पीएचपी जो स्क्रिप्टिंग होती है, ये स्क्रिप्ट आपके सर्वर पे चलती है, तो कोई भी जब राइट क्लिक करके व्यू सोर्स करेगा तो उसे कोड नहीं दिखेगा। ये हमारा इसको सिक्योर बनाता है। पीएचपी बिकम्स मोर सिक्योर व्हेन यू कंपेयर इट विद जावास्क्रिप्ट। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, ये छोटा सा प्रोग्राम है पीएचपी का, आप इसको गौर से देखें। ये एचटीएमएल का मिक्सअप है, ये एचटीएमएल प्रोग्राम है, इसके अंदर ये पीएचपी कोड है। ये जो है टैग, ये इसको कहते हैं पीएचपी स्टार्ट टैग। ये अच्छा, मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जो पीएचपी का जो कोड है वो सर्वर कैसे समझता है। हर सर्वर के साथ एक पीएचपी इंटरप्रेटर को मिक्स किया जाता है। जब कोई कोड, जब कोई एप्लीकेशन सर्वर पे एग्जीक्यूट होती है तो वो पीएचपी का जो इंजन है या इंटरप्रेटर जो उसको मैं कह रहा हूँ, वो स्टैक को जब देखता है तो समझ जाता है कि अब जो आगे आने वाला है वो पीएचपी कोड है, वो एचटीएमएल कोड नहीं है, और वो उसको इंटरप्रेट करके उसका एचटीएमएल कोड जनरेट करेगा। और इस टैग का मतलब है, ये इसका मतलब है एंड पीएचपी टैग, इसका मतलब यहाँ पे पीएचपी कोड खत्म हो गया। तो अब होगा क्या, जब इस प्रोग्राम को आपने सर्वर पे अपलोड किया तो होगा क्या कि इसको देखते ही पीएचपी इंटरप्रेटर एक्टिव हो जाएगा, इस कमांड का वो आउटपुट जनरेट करेगा और ये समझ जाएगा कि भाई यहाँ पे एचटीएमएल कोड खत्म, अब आगे आगे पीएचपी कोड खत्म, अब आगे एचटीएमएल कोड ही है। इससे इसको जब अपन रन करेंगे तो आउटपुट आएगा स्क्रीन पे हेलो वर्ल्ड, ये एक मैसेज डिस्प्ले करने वाला है। अब जैसे मैंने बोला कि आप एचटीएमएल और पीएचपी दोनों मिक्स कर सकते हैं, तो ये छोटा सा प्रोग्राम दूसरा देखिए। इसमें देखिए एचटीएमएल कोड भी है, पीएचपी कोड भी है। देखिए यहाँ से ये सिंपल जो एचटीएमएल के टैग्स होते हैं, नॉर्मल एचटीएमएल, हेड, बॉडी, सब कुछ है। ये एचटीएमएल कोड है, ये कह रहा है कि वेलकम टू पीएचपी, डिस्प्ले करिए ब्राउजर पे H1 एलिमेंट, यानी हेडिंग 1 एलिमेंट में। और ये पीएचपी कोड स्टार्ट हो गया, ये इंटरप्रेटर इसको कंपाइल करेगा, इसको कन्वर्ट करेगा एचटीएमएल कोड में। तो अब देखिए दो मिक्सर हो गए, ये आपका एचटीएमएल कोड है, ये पीएचपी कोड है, ये दोनों मिक्सअप हो गए। तो ये प्रूफ करता है कि आप कभी भी कोई एचटीएमएल कोड बनाए, आप कभी भी उसमें पीएचपी मिक्स कर सकते हैं। तो इट गिव्स यू फ्लेक्सिबिलिटी, जो कोड आपको, जिसका आपको लगता है कि भाई हाँ सिक्योरिटी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको एचटीएमएल में लिखें। जहां पे आप चाहते हो कि कोड कंज्यूमर या क्लाइंट नहीं देख सके तो आप उसको पीएचपी में लिखें, तो आप दोनों काम कर सकते हैं।
जब कंज्यूमर इसको रन करेगा, और अगर मैंने अभी बोला कि ये पीएचपी कोड सर्वर पे रन होगा, अगर क्लाइंट अगर राइट क्लिक करके व्यू सोर्स करता है तो उसे कभी भी पीएचपी कोड नजर नहीं आएगा, उसे आउटपुट ही नहीं जनरेट होगा। तो ये जो आउटपुट था इस लाइन का आउटपुट है हेलो वर्ल्ड बोल्ड में, तो ये हेलो वर्ल्ड बोल्ड में डिस्प्ले होगा उसको, उसको कभी ये पता नहीं चलेगा कि ये कौन से पीएचपी कोड से आउटपुट आया है। तो इससे आपका ये सिक्योर हो जाता बहुत। अब मुद्दा ये है कि मैं अगर पीएचपी को रन करना चाहता हूं अपनी मशीन पे तो मुझे कौन कौन से सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। पीएचपी को वर्क करने के लिए आपको तीन सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है,